फ्रेंड्स, आज हम आपको जो कस्टर्ड एप्पल है, जिसे सीताफल कहते हैं, उसकी ग्राफ्टिंग किस प्रकार की जाती है वहां बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो ग्राफ्टिंग सीजन है कस्टर्ड एप्पल का, यहाँ फेब्रुआरी यानी जनवरी एंड से लेके फेब्रुआरी माह तक किया जाता है, पर बेस्ट है फेब्रुआरी का, जनवरी का एंडिंग सप्ताह, आखिरी सप्ताह, और फरवरी का पहला सप्ताह इसके लिए बहुत बेटर होता है। इसके बावजूद आप जनवरी पूरा फुल भी कर सकते हैं, फेब्रुआरी महीना भी फुल्ली आप इस प्रकार कल में कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए सबसे पहले हमको प्रिपरेशन करना है अपने एपरेटस। तो यह अल्कोहल है, इसे स्टरलाइज करने का है। हमारे दो जैसे कटर है, कटर और जो नाइफ है, इसको हम स्टरलाइज कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि भाई ये जो औजार है हमारे, वहां यानी जर्म से लेस हो जाए, यानी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। इसे मैं, क्योंकि यह कटर से जब हम काटते हैं कलमे या प्लांट काटते हैं, तो इसे हमें साफ करना है। तो दोस्तों देखिएगा, स्टरलाइज ये ऑटोमेटिक उड़ जाएगा थोड़ी देर के बाद में। और यह नाइफ है, ग्राफ्टिंग नाइफ। देखिएगा, यहाँ दो चीज़ें अति आवश्यक है इसके लिए। इसे मैं अभी जैसे घुमा लिया हाथ, इसके बाद में ऐसा कर लिया, इसके बाद में देखिएगा यहाँ ऑलरेडी उड़ जाएगा। अब इसके बाद में फिर हम इसे अल्कोहल को हमारा जैसे काम हो गया है, या तो अभी रहने देते फिलहाल में इसे हम, और अभी अब तीसरी चीज यहाँ दो हो गया, सिकेटर आपको लगता है इसके लिए, और ये बडिंग नाइफ। इसके बाद में तीसरा है ग्राफ्टिंग टेप। अगर से ग्राफ्टिंग टेप आपके पास में नहीं है, तो आप पॉलीथीन जो है, सॉफ्ट वाली पॉलीथीन जो मार्केट में आपको मिलती है, जो शक्कर वक्कर लाते हैं, उसकी भी पॉलीथीन आप खड़ी काट के पॉलीथीन स्ट्रिप बना सकते हैं। मेरी वीडियोज ऑलरेडी है पॉलीथीन स्ट्रिप किस प्रकार है, उसके लगभग ऐसे एक फीट आधा फीट के टुकड़े बना लीजिए। उसके बाद में अगर से हो सके तो आप यहाँ कवरिंग करने के लिए जो पेप्सी की जो स्ट्रिप्स है, यहाँ किस प्रकार बनाई जाती है ये भी बताया आपको। अगर पेप्सी की स्ट्रिप्स अगर लानी है तो मार्केट में मिलती है, इसका भी वीडियो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है। और दोस्तों, उसके बाद में हमें यहाँ सीताफल की जो कलमे हैं, जिसे हम सायन कहते हैं, यहाँ देख लीजिएगा। अब फरवरी माह में करने का एक मैं कारण बताना चाहूंगा कि फरवरी माह में सीताफल के पत्ते को पतझड़ लग जाती है, और पत्ते छोड़ता है सीताफल की ब्रांचेस जब छोड़ती है, ये पत्ते छोड़ना चालू करती है, तो पूरा फूड मटेरियल इसमें जमा हो जाता है दोस्तों, जिसकी उम्र, इन ब्रांचेस की उम्र लगभग 6 से 8 माह पुरानी है या 1 साल पुरानी है। पत्ते गिरने के कारण यहाँ पर फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है, जिसके वजह से 30 दिन के बाद में यहाँ पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इसका सीजन जो है गावा का, जाम का और सीताफल का एक ही सीजन है, ये फरवरी और जनवरी माह दो बेस्ट सीजन है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पेंसिल साइज की या पेंसिल से थोड़ा कम साइज का भी आपका कलम रहा तो भी चल जाएगा, देखिएगा। तो इस प्रकार की कलमें आपको सिलेक्ट करनी है, और लगभग कलमों की लंबाई जो है आपको 1 फीट लगभग लंबी लेने का है। हालांकि ये बहुत लंबी, ज़्यादा लंबी है, इसे मैं कट कर दूंगा, और नहीं भी कट किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इतनी लंबी रखूंगा, पर लेकिन कम से कम 1 फीट या आधा फीट लंबी चाहिए, इतनी भी आप कट करके आप फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी आप पौधे, जो 1 साल के पौधे, तो 1 साल के पौधे जब आपके पास में हैं, तो 1 साल के पौधे इसके लिए उपयुक्त हैं। तो जैसे हम अभी यहाँ पौधा है, इसी पौधे के साइज का अगर से आप कलम करते हैं, कंसिडर करो, तो वहाँ बहुत ही बेस्ट है। तो कभी भी जो सायन सिलेक्शन करते हैं, तो वहाँ उसी साइज की अगर से रही तो बहुत बेटर होता है। तो इसी साइज का हम यहाँ से लगभग 4 उंगल ऊपर से हम यहाँ पर कलम करना चाहेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ एक कलम जो है यहाँ सिलेक्ट की है मैंने, कंसिडर करो, बाकी कलमें मैं यहाँ रख देता हूँ। तो अभी इसको क्या करने का, तो मैं अभी इसे कटर से यहाँ से अभी उड़ा देता हूँ, लगभग 3 इंच ऊपर से ये कट कर दिया। उसके बाद में हमें इसे लगभग 1 इंच चाप मारना है, देखिएगा यहाँ ऐसा वी शेप का इस प्रकार आपको चाप मारना है, इस प्रकार, क्योंकि मैंगो में भी जिस प्रकार का वी शेप हमें हम देते हैं, उसी प्रकार का यहाँ चाप देने का है। देखिएगा, इस प्रकार का हमने चाप दिया है,
दोनों तरफ छाल चाहिए, तो एक तरफ पतली छाल हो गई, एक तरफ मोटी, तो हम इसे अभी फिर से एडजस्ट कर लेते हैं ताकि इसकी जो, अब देखिएगा दोनों की तरफ, दोनों तरफ की स्किन लगभग समान हो गई है। अभी देख लीजिएगा यह हो गया अभी से। इसके बाद में हमें यहाँ पर आपको हम बताएंगे, यहाँ पर सेंटर से आपको इंसर्ट करने का चाकू, यह देखिएगा जितना चाप वहां मारे आपने, एक से डेढ़ इंच उतना चाप आपको मारने का है। और यहाँ पॉलीथीन आपने जो स्ट्रिप बनाई वहां, उसके बाद में इसे इंसर्ट करने का है। अब यहाँ इंसर्ट करने के बाद में आपको प्रिकॉशन लेने का है कि एक तरफ की छाल जो है इस सायन की और इसकी छाल एक तरफ की कम से कम आपको मिलाने की है, ताकि इसकी छाल और इसकी छाल एक तरफ की कोइन साइड होना चाहिए, यानी बैठ जाना चाहिए। दूसरे तरफ आपको देखना नहीं है, सिर्फ आपको एक तरफ की छाल मिलाना है। यह प्रिकॉशन आपको लेनी है, यह देखिएगा। उसके बाद आपको ऊपर से, कुछ लोग नीचे से लेते हैं, मैं यहाँ से ऊपर से ले रहा हूँ बांधते हुए, हम नीचे की ओर जाएंगे। यह देखिएगा यहाँ देखिएगा, कंप्लीटली आपको नीचे की ओर जाने का है इस प्रकार। आपको नीचे तक आपको पैक करते जाना है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ सीताफल का ग्राफ्टिंग है, तो आपको लगभग 30 दिन के बाद में इसको पत्तियां निकलना शुरू हो जाएगी। और इसे अभी मैं पॉलीथीन अगर से नहीं भी पहना है, कंसीडर करो ये वाला, तो भी चलेगा। लेकिन अगर से आप चाहोगे तो मैं इसे यहाँ से कट कर देता, और नहीं भी कट किया तो विदाउट कैपिंग भी यहाँ सक्सेस हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली नहीं भी किए कैपिंग तो भी चल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप एक सिंपल जो आपका कस्टर्ड एप्पल है, सीताफल है, उसे आप विभिन्न अलग अलग किस्मों के ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें सीताफल में 5-6 प्रकार की कस्टर्ड एप्पल से सीताफल है, जैसे सरस्वती सेवन जिसके पत्ते रामफल जैसे होते हैं, रामफल के जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पीछे में आप देख रहे होंगे, ये रामफल के टाइप का पत्ता है, देखिएगा सीताफल का पेड़ देखिएगा, ये रामफल के टाइप का पत्ता दिख रहा है। ये सरस्वती सेवन का पेड़ है जो मेरे पीछे जो है, अभी एक साल का हो गया है, मैंने कलम की थी बड़े पेड़ पे। तो दूसरी उसके बावजूद अर्का सहानी है, सहानी रानी गोल्ड, और इनके जो पत्ते हैं, सिंपल सीताफल जो होता है नेचुरल, जो हमारे इधर जो सादे गावरान सीताफल कहते हैं, जो हमारे आस पड़ोस में, उस प्रकार के पत्ते रहते हैं। लेकिन सरस्वती सेवन के पत्ते जो है बड़ा साइज होता है, सबसे बड़ा साइज होता है पत्ते का। और ये सब वेरायटी आप अपने हैं, तो आप सादे पौधे तैयार करके इस प्रकार आप फरवरी माह में कलम करके, जनवरी के एंड में कलम करके आप वेरायटी चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद में अभी इसका प्रिकॉशन क्या रखना है, 30 दिन के बाद में निकलना शुरू हो जाएगा पत्ते। उसके बाद में यहाँ झिल्ली कब छोड़ने की जो बांधी हुई है, इसको लगभग आपको 3 माह बाद में छोड़ने की, 3 माह में पूरा ज्वाइंट जुड़ जाएगा, फिर ब्लेड मार के धीरे से इसे अनवाइंड कर लेने का है, काम खत्म। इसके बाद में इसका पॉटिंग का लगाने का कैसा, तो रेनी सीजन जब स्टार्ट हो जाएगा तो कलम के कोई भी पौधे, जो कलम जो बंधी रहती है ज्वाइंट पोर्शन हुआ जमीन के ऊपर रखने का, और बाकी का पोर्शन जमीन में दबा देने का है, गड्ढा खोद के दबा देना, इस प्रकार आपको एक केयर रहने का है। तो दोस्तों आप अपने घर में भी इस प्रकार देसी वेरायटी को हाइब्रिड वेरायटी में आप टर्न कर सकते हैं। इन हाइब्रिड वेरायटी की खासियत है दोस्तों कि देसी वेरायटी में सीड्स बहुत ज़्यादा प्रमाण में होते हैं, या हाइब्रिड वेरायटी जैसे मैंने अभी कहा VNR है, अर्का सहानी है, रानी गोल्ड है, और सरस्वती सेवन है। इन क्वालिटियों की खासियत है, इनमें बीजे बहुत कम प्रमाण में पाए जाते हैं, मास जो है, फ्लेश जो है बहुत ज़्यादा प्रमाण में होता है, तो यहाँ इनकी खासियत है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे 30 दिन के बाद में रिजल्ट के साथ। थैंक यू।